एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामू। वो एक फैक्ट्री में जॉब करता था। कोविड-19 की वजह से वो फैक्ट्री बंद हो गई, उसकी नौकरी चली गई। वो एक जगह नई नौकरी लेने गया तो उसे नौकरी मिली पेड़ काटने की। पहले दिन वो पेड़ काटने के काम पर गया। उसने 8 घंटे काम किया और 2 पेड़ काटे। शाम को उसको पैसे मिल गए, वो बड़ा खुश हुआ। अगले दिन उसने योजना बनाई कि आज मैं 8 की बजाय 10 घंटे काम करूँगा और 3 पेड़ काट के लाऊँगा। योजना सही भी थी, ज़्यादा वक्त तो ज़्यादा काम और ज़्यादा पैसे। अब उसने 10 घंटे काम किया, लेकिन ये क्या, आज वो 2 पेड़ भी पूरे नहीं काट पाया, जबकि उसकी योजना थी कि वो 3 पेड़ काटेगा। वो बड़ा निराश हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, उसने सोचा कल और मेहनत करेंगे। तीसरे दिन की उसने योजना बनाई कि अब वो 12 घंटे काम करेगा और 4 पेड़ काटेगा। यानी कि वही फिलॉसफी, ज़्यादा काम और ज़्यादा नतीजा और उससे ज़्यादा पैसे। तो अब उसने 12 घंटे काम किया, लेकिन आज का नतीजा तो और भी कम था। अब वो सिर्फ 1 पेड़ काट पाया। ये क्या हो रहा है? वक्त वो बढ़ा रहा है काम करने का, लेकिन उसकी आउटपुट कम हो रही है। अब वो परेशान हो गया और अपने मालिक के पास गया और पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मालिक ने सिर्फ उससे एक लाइन पूछी, क्या तुमने अपनी कुल्हाड़ी शार्प की थी? क्या इस बात का मतलब आप समझ पाए? कुल्हाड़ी शार्प करने का मतलब आप समझ पाए? वो लकड़हारा क्या गलती कर रहा था? पहले दिन जब उसने 8 घंटे काम किया, उसने 2 पेड़ काटे, तो उन 2 पेड़ों को काटने में उसकी कुल्हाड़ी उतनी तीखी नहीं रही जितनी पहले थी। अगले दिन उसे पहले कुल्हाड़ी को तेज करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो उस कुल्हाड़ी के साथ जब वो अगले दिन काम कर रहा था, उसने पहले की तरह काम नहीं किया, क्योंकि कुल्हाड़ी उतनी तेज थी ही नहीं। और तीसरे दिन तो वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर गई। मेहनत ज़्यादा लग रही है, आउटपुट कम आ रही है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आप मेहनत ज़्यादा करते हैं, आउटपुट कम आती है, क्योंकि आप अपनी कुल्हाड़ी शार्प नहीं कर रहे। कुल्हाड़ी शार्प करने से मेरा मतलब क्या है? अगर आप स्पीकिंग के इंटरव्यूज़ देते हैं, तो क्या अगला इंटरव्यू देने से पहले आप कुछ नया सीखते हैं? आप अपने स्किल पे काम करते हैं? आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं? जब आप एक नई राइटिंग लिखते हैं, क्या उस राइटिंग को लिखने से पहले आप कुछ नए CVG पर काम करते हैं? आप एक्सपर्ट्स की कुछ राइटिंग्स पढ़ते हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करते हैं, कुछ नया सीखते हैं? यही सब रीडिंग में भी होता है और ऐसा ही कुछ लिसनिंग में भी होता है। आपको अपने आप को कुछ इनपुट देनी होगी अगला टेस्ट करने से पहले। ये बात आप ध्यान से समझें। आप टेस्टिंग पे फोकस करते हैं। कुछ बच्चे रोज़ ही टेस्ट करते हैं, रोज़ लिसनिंग का टेस्ट किया और फिर अगले दिन फिर टेस्ट किया। टेस्ट करते हैं, स्कोर कम आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर अगले दिन टेस्ट करते हैं, फिर स्कोर कम आता है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपनी कुल्हाड़ी शार्प नहीं कर रहे। तो उस लकड़हारे की तरह आप गलती मत कीजिए। अगर आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर कोई आपको टेस्ट करने के लिए है, कोई टीचर आपकी राइटिंग असेस करता है या कोई टीचर आपकी स्पीकिंग असेस करता है, तो रोज़ रोज़ उस अध्यापक के पीछे ना पड़ें। बीच में अपनी कुल्हाड़ी शार्प करें, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें, अपने स्किल पे फोकस करें। उसके बाद ही आप इस योग्य हो पाते हैं कि आप जब स्पीकिंग देंगे या राइटिंग देंगे तो आपका स्कोर बेटर हो पाएगा। वरना आप बार बार वही बात दोहराओगे कि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और मेरी सलाह को मानें। टेस्टिंग को कम करें, लर्निंग को ज़्यादा करें।